हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल गोरू के व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस मैं हूँ गोरू, उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस मम्मी कर रही है सेवा और हमारे घर में भी हो रही है दिन की शुरुआत। आई रियली होप गाइस आप लोगों ने भी अपने अपने दिनों की शुरुआत कर ली होगी। और माहौल गाइस आज सुबह सुबह का इतना अच्छा है ना, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, क्योंकि दो दिन से शाम को लगातार बारिश हो रही है और यहाँ पे आज सुबह सुबह इतना बढ़िया हो रखा है ना। ये देखिए गाइस, गली एकदम सुनसान और वैसे तो साफ़ सुथरी क्योंकि अभी नहीं बनी है, लेकिन माहौल गजब का हो रखा है गाइस। हवाई चल रही है बढ़िया मस्त और यहाँ भाभी लगी अपने सफाई करने में। चलो सुबह सुबह जो काम हो जाए वो बढ़िया। ये देखिए एक तो शांत माहौल और ऊपर से सुबह सुबह घरों में भगवान जी की आराधना। तो चलिए गाइस अब हम भी मत्था टेक लेते बाबा जी के चरणों में और फिर चलते हैं गाय माता जी को रोटी देने के लिए, क्योंकि ये भी एक ड्यूटी है। तो चलिए गाइस आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, अब हम पी लेते हैं अपनी मस्त गर्मा गर्म चाय। और आज तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं बाहर बैठ के चाय पीऊँ, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बारिश का कोई वो नहीं है, मतलब भरोसा कभी भी आ सकती है, तो इसलिए घर ही अपना सेफ है। ये देखिए गाइस अभी मेरा ना थोड़ा सा मौसम को देख के बाहर घूमने का मन कर रहा था और बाहर घूमने से पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई। मैं यही कह रहा था कि बारिश कभी भी हो सकती है और वो फाइनली हो ही गई। ये देखिए गाइस बारिश कितनी तेज स्टार्ट हो गई और एकदम अचानक से ही स्टार्ट हुई है। जैसे मैंने बाहर निकला, मैंने बाहर पैर रखा और बारिश चालू। फाइनली गाइज मैं बाहर जाके आ ही गया हूँ। मैंने बारिश नहीं देखी क्योंकि आज सवेरे सवेरे का जो माहौल था ना गाइज इतना गजब का हो रखा था, तो मतलब मुझसे रुका ही नहीं गया और मैं भी थोड़ी देर बाहर घूम के आ ही गया। और अभी मैं पूरी तरीके से भीगा भी हुआ हूँ, तो अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ और अपने फाइनली दूसरे कपड़े पहन लेता हूँ, क्योंकि अब मेरा ऑफिस का टाइम भी हो गया है। तो चलिए फटाफट से हम भी रेडी हो जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, कि मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा। तो हो चुकी है शाम और गाइस मैं आ गया हूँ घर पे और आज मतलब सवेरे से बारिश कभी आ रही है कभी बंद हो रही है, थोड़ी देर के लिए आ रही है फिर थोड़ी देर के लिए बंद हो रही है। बीच में बहुत तेज धूप भी हुई थी और फिर उसके बाद फिर से बारिश का मौसम हो गया और बारिश आने लग गई। लेकिन आज आते वक्त मैं रास्ते में बिल्कुल भी नहीं भीगा, लेकिन आज एक मतलब बहुत बड़ी वाली चीज़ हुई है, क्योंकि जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है गड्ढों में जो पानी भरा रहता है ना, वो कीचड़ वगैरह, एक्चुअली एक गाड़ी जा रही थी वहाँ से और उसने मतलब वो पानी के अंदर गई और उसका जो कीचड़ था ना वो एकदम मेरे ऊपर मेरी स्कूटी के ऊपर आ, जिससे कि मेरे कपड़े तो ज़्यादा गंदे नहीं हुए, बस ज़्यादा गंदे हुए ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन स्कूटी बहुत गंदी हो गई थी क्योंकि उसके ऊपर बड़े बड़े वो मतलब वो कीचड़ गिर गया था। तो मुझे उस बात से बहुत मतलब गुस्सा भी आया, लेकिन अब क्या ही करें क्योंकि बारिश हो रही है, तो उसकी भी गलती नहीं थी और मेरी भी गलती नहीं थी, तो बस हो गया। बाकी अभी घर पर आ गया, अपनी सेवा का टाइम हो गया है, तो नीचे चल रही है सेवा, हम भी सेवा कर लेते हैं। लेकिन आज गाइस लिटरली मेरे को इतनी तेज भूख लग रही है, तो कुछ खा भी लेते हैं। और अभी खाने में आज देखते हैं कि हमारे घर में बन क्या रहा है। यहाँ चल रहा है हमारा खाना और ये क्या बना है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे घर में बनी है गाइस आलू और पनीर की सब्जी, थोड़े से चावल भी होने चाहिए थे, बन रही है रोटी। तो चलिए गाइस हम अपनी सेवा का काम कर लेते हैं। तो चलिए गाइस हमारा खाना आ गया है और हम पूजा भी करके आ गए हैं और खा लेते हैं अपना डिनर। और पता नहीं लिटरली आज मुझे इतनी तेज भूख क्यों लग रही है, आज मैं सबसे पहले डिनर कर रहा हूँ। अभी नीचे मम्मी भाई सब लोग बैठे हैं, लेकिन मैं ऊपर डिनर करने के मतलब अपना खाना खाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए गाइस आप भी हमारे साथ खा लीजिए मस्त गर्मा गर्म बारिश के मौसम में अपना खाना।
तो आइए गाइस, खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। तो गाइस अभी मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ मम्मी खा रही खाना। और यहाँ चल रहा है मम्मी का राधा कृष्ण। और आज पूरी गली शाम के टाइम भी बिल्कुल गीली गीली सी हो रखी है क्योंकि लगातार बारिश आई जा रही है थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखिए पूरी गली गाइस गीली हो रखी है और कहीं आज बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि जब कीच मच जाता है ना, क्योंकि गाइस जब थोड़ी सी कीचड़ वगैरह हो जाती है ना तो कहीं भी जाने का मन नहीं करता है, तो इसलिए ये देखिए गाइस अभी खाना खा के जस्ट हम लोग अभी बाहर आए हैं और ये मेरे मौसी हैं। हेलो करो मौसी जी। हेलो। वो सब्जी महंगी नहीं दे रहे, सरकार को बोलो कि इतनी महंगी सब्जी क्यों कर रखी है। हाँ। बोलो महंगी क्यों कर रखी है सब्जी, वो तो हम खा ही नहीं सकते अब हरी सब्जी। खाएंगे और अभी हरी सब्जी भी नहीं खा सकते, हरी सब्जी भी नहीं खा सकते, मीट भी नहीं खा सकते, सावन का महीना है क्या खाए, खाए तो क्या खाए। और अब तो दाल भी वो नहीं है, दाल भी 100 रुपए किलो। पहले ये बोलते थे कि चटनी मतलब भगवान चटनी रोटी का तो जुगाड़ कर रहा है, लेकिन अब तो चटनी भी नहीं है, अब चटनी भी नहीं है। चटी चटाई सब्जी लेके आते हो ये वो। अंकल मिलो अंकल जी से। अब अंकल सुन लो क्या कह रहे हैं। अंकल बोलो, अभी हमारा अंकल भी कुछ बोलना चाहते हैं। सब्जी सस्ती करवाओ, इनके कस्टमर बिगड़ रहे हैं सब्जी महंगी की वजह। अब कस्टमर खराब हो जाएंगे तो फिर फायदा नहीं है ना, खाएंगे क्या। अरमोसी बोलो, जब सस्ती सब्जी होगी जब भी तो खरीदेंगे। अब दोबारा बोलो क्या खाया हम, अब आप बताओ क्या खाया हम, आप बताओ हम क्या खाए। ये सारी सब्जी इतनी महंगी है, मतलब हम क्या खाएं, बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा है। तो भैया जो भी सुन रहा है इसको देख रहा है वीडियो को, उस क्या नाम है उसका, वो तो कर रहे हैं सब्जी भी सस्ती करें, मतलब जो भी सरकार। अब हम खाना पीना खा के हो चुके फ्री, तो अब अपनी करते हैं थोड़ी सी एडिटिंग, इसलिए अब गाइस वीडियो को भी ऐड करना पड़ेगा। तो करते हैं गाइस वीडियो को एंड, लेते हैं आपसे विदा। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार और सुझाव लिखकर मुझे ज़रूर भेजें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, छोटों के साथ प्रेम से रहें और प्रेम से ही मेरे साथ कहें राधे राधे।